झारखंड स्थापना दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। शाम 5 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं डिंपल। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के भौराज गांव में न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। केसरी देवी की मौत के बाद भाई ने प्रतापपुर थाने में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद प्रतापपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। SDPO अविनाश कुमार ने लोगों से अपील की है कि अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। दरअसल जान बिसाई का आरोप लगाकर दबंगों ने केसरी देवी की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद महिला ने दबंगों से डर कर सुसाइड कर ली थी। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चतरा में पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद और आज वहाँ की एक महिला 40 वर्षीय केसरी देवी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। भोला यादव के द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया। FIR में यह बताया गया कि इनको पिछले एक महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके प्रताड़ना में आकर के इन्होंने आत्महत्या कर ली है। इनको पूर्व से ही प्रताड़ित किया जा रहा था डायन बूथ को लेकर के। कुल 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल 3 लोगों को जो नामजद और मुख्य अभियुक्त थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है भौराज, वहां की एक महिला 40 वर्षीय केसरी देवी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। भोला यादव के द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया। FIR में यह डान बिसाई के आरोप में हुई थी पिटाई और न्यूज 11 भारत का असर देखने को मिला। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, चतरा की यह खबर। मृतक महिला के भाई ने दर्ज कराया मामला। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया। डान बिसाही का यह मामला चतरा से। तीन आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए हैं जेल। चतरा से ये खबर आ रही है। डान बिसाही का ये मामला जहां पर एक महिला ने सुसाइड कर लिया। और फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय है चतरा से। संजय, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक महिला ने सुसाइड कर लिया है और डान बिसाही का ये मामला। डिंपल, मैं बता दूं कि चतरा में आए दिन जो है पूरे क्षेत्र जो है वो अंधविश्वास के घेरे में जकड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो है यहाँ अफीम और पोस्ते की भी खेती होती है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है जिस समय आता है उस समय जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। जागरूकता अभियान में जो है, लेकिन जिस तरह से चतरा में अंधविश्वास जकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर में मैं दिखला रहा हूँ की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जो है महिला को अंधविश्वास में जो है एक पंचायती बैठता है, पंचायती में उसे 1.5 लाख रुपया का दंड, आर्थिक दंड दिया जाता है। उसके बाद जो है महिला काफी डरी सदमी रहती है और वो अंततः जो है जहर खा करके मौत के गले लगा लेती है। और उसके बाद जो है पुलिस जो है घटना स्थल पहुंच करके छानबीन करती है। उसमें तीन, आज जो है 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, उसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करना ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं, जिला प्रशासन को जो है वो अंधविश्वास के प्रति जागरूक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर जिला प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि जहां अंधविश्वास है, जहां अफीम की पोस्ते की खेती होती है, वहां जाकर के जागरूकता अभियान करे और लोगों को समझाए। क्योंकि चतरा जो इलाका पड़ता है वो अशिक्षित माहौल है यहाँ का, यहाँ लोग पढ़े लिखे कम है और इसी का होता है कि अंधविश्वास के चक्र में फंस जाते हैं और लोग भूत प्रेत करके इस तरह से। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटना चतरा में हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन के नींद जो है टूटती नहीं है, वो अभियान इस तरह से चलाती नहीं, जिसके चलते इस तरह का आए दिन तस्वीर देखने को मिलता है। जी संजय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी चतरा से, जिन्होंने हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी। 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।